हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती डोनाल्ड। डोनाल्ड, सबसे पहले तो यार ये क्या क्या हुआ, क्या ये क्या एविक्शन, यू नो शॉकिंग, बहुत ज्यादा शॉकिंग है और आपके फैंस तो बहुत अपसेट है। इनफैक्ट ट्विटर पे, इंस्टा पे सब जगह ट्रेंड भी हो रहा है, तो जानना चाहूंगा आपके व्यूज ऑन दिस। क्या लग रहा है आपको, क्यों हुआ, अनफेयर था, फेयर था, क्या था, प्लीज बताइए। अनफेयर तो था बिकॉज एविक्शन जो होता है वो मेरे ख्याल से जनता के थ्रू होना चाहिए, नॉट कंटेस्टेंट्स के थ्रू। और मुझे पता था, जैसे सबको पता था कि वो डे वन से मुझे टारगेट कर रहे हैं सबके सब, और मुझे बुरा भी लगता था। और मैं फिर भी अपना 100% देने की पूरी कोशिश करती थी, बट इट वॉज ऑलवेज वाइज, इट वॉज ऑलवेज अदर वे राउंड। मैं पूरी कोशिश कर रही थी बट वो लोग मुझसे मिंगल होना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं था कि मैं उनसे मिंगल नहीं होना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक दे थॉट दैट, बिकॉज मेरे ओपिनियंस होते थे और मैं अपने ओपिनियंस पे स्टिक रहती थी, मैं मैनिपुलेट नहीं होती थी, मैं जिसका साथ देती थी दिल से साथ देती थी, किसी मतलब से नहीं देती थी। तो ये सब जो क्वालिटीज थी, आई थिंक लोगों को बाहर पसंद आई और मुझे लोगों का बाहर जो प्यार था वो मिला बिग बॉस का। मुझे भले ही विनर नहीं मिला बट मेरे लिए वही विन है कि मुझे बाहर लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और मैं ट्रेंड कर रही थी। आज भी लोग चाहते हैं कि मैं बिग बॉस में वापस जाऊँ। या आई नो दैट, बिकॉज आपकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग। हम जब भी मिलते हैं, हम कोई पार्टीज में या फंक्शन के पिक्चर्स भी डालते हैं, तो जो आपके फैंस आ जाते हैं वहां पे, जो लाइक्स एंड कमेंट्स, तो लगता है कि अगर वो उस बेसिस पे होता तो टॉप थ्री तक तो आप 100% पहुंच जाते। थैंक यू सो मच। यू नो सलमान ने भी कहा कि डोनाल्ड से के दो लोग हैं जिनकी बैटरी ज्यादा ड्रेन हो चुकी, तो आपको क्या लग रहा है वो दो कौन है जिनकी बैटरी आपसे ज्यादा ड्रेन हो चुकी है? आई थिंक सिम्बा और अकासा, विधि, ये सब लोग हैं। ईशान और महेशा का भी देयर इज नो गेम, मतलब उनका वो कनेक्शन के ऊपर ही वो चल रहे हैं, वो फराह जी ने भी बोला। तो मेरा पॉइंट हमेशा क्या था कि मैं ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस पे खड़ी रहती थी, मैं किसी को फॉलो नहीं करती थी जी। तो मेरी बैटरी तो एक्चुअली ड्रेन नहीं थी, बट वो लोगों को मुझे टारगेट करना था जो उन लोगों ने मुझे किया। और जब मौका आया उनको हाथ में था उनके पास डिसीजन, तो उन्होंने दे प्लेड द सेफेस्ट कि आज इसका फैन बेस हम लोग इतना ना बढ़ा दें कि कल को हमें ही दिक्कत हो जाए इसको निकालने। तो दे डिड दैट। जी, आपको बहुत ज्यादा कॉर्नर किया गया था, हमने ये भी देखा कि पीछे से काफी बार आपका मजाक उड़ाया जाता था, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं तो जीत गई, मुझे लोगों का प्यार मिला, आपने मेरा मजाक उड़ाया, मजाक आपका आज उड़ रहा है। सो मेरा तो दिल साफ था, मैंने किसी के लिए कोई भी मेरे दिल में मैल नहीं था, किसी के लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो लोगों को दिखता है ना कौन पॉजिटिव है, कौन अच्छा है, और जब आप सच्चे होते हो तो आप लोगों से कनेक्ट होते हो, और वो मेरे साथ हुआ। एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को अंदर 14 लोगों को मेरा दिल दिखाई नहीं दिया बट पूरी दुनिया को दिखाई दिया कि ये अच्छी लड़की है, एंड शी डिजर्व्स टू बी देयर इन द बिग बॉस हाउस। जैसे कि आपने बताया इनको मौका मिला, इन्होंने बटन दबा दिया, बट उसमें कोई तो ऐसे होंगे जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो आपको क्या लग रहा है किसने आपको यू नो जो सरप्राइज किया कि अरे दिस पर्सन आल्सो इन्होंने भी वोट किया? करण का नहीं लगा था, क्योंकि जिस तरीके से जब सब लोग गए दूसरे मेन हाउस में, उसके बाद मैं यहाँ पे थी और करण मुझसे सजेशंस लेते थे, बात करते थे, उनको पता था कि मैं समझदार लड़की हूँ। तो डिस्कशंस होते थे हम लोग कैसे करें, कब बनाएंगे मैप और क्या करेंगे, और उनको मेरे सजेशंस अच्छे भी लगते थे तो हम लोग उसके ऊपर वर्क करते थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरा नाम लेंगे, और अफसाना का भी मुझे नहीं लगा था कि वो मेरा नाम लेंगी, बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं सबका बदला लूंगी, मैं और किसी से बैर नहीं ले सकती थी, बट मैं तेरा बदला जरूर लूंगी, तू देखना। That's fair enough, it's her game. मैं ये नहीं बोल रही कि वो बुरी है, वो दिल की से साफ है, उन्होंने मुझे बोला। और
और किसका, मुझे निशांत का भी शौक हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि निशांत को पता है कि मैं कैसी हूँ एंड और मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, और उन्होंने बोला भी था कि मुझे डॉनल के प्रति कुछ भी नहीं है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट अब सब ले रहे हैं तो मैं भी ले रहा हूँ, इस तरीके से उन्होंने बोला। मुझे बुरा लगा बट ठीक है, सब फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, मैं क्या कह सकती हूँ, जहां मुझे प्यार चाहिए था वहां मुझे मिल गया, अभी वो 14 लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो मुझे चलेगा। बट उमर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, यू नो, वो काफी टाइम तक आपका जिक्र भी करा, आपके जाने के बाद वो हमने देखा कि वो काफी टाइम तक आपका जिक्र कर रहे थे, तो क्या कहना है आपका? He was missing you. He was talking about कि नहीं ये गलत हुआ ऐसा करके, all those things. उमर और मेरी जो बातें हैं वो इनिशियली नहीं होती थी, इनिशियली उनको बुरा लगता था कि मैंने वहां हमारे टास्क में निशांत को जिताया, उनको नहीं जिताया करके, बट दैट वाज माय फेयर डिसीजन जो मैंने देखा था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी और उमर की बात हुई, एक्चुअली बात तब हुई है, उमर ने आके मुझसे बात तब की है जब अफसाना का मैंने साथ नहीं छोड़ा, जब सबने मुझे बोला कि तू अफसाना के साथ मत रहे, बट उमर ने देखा कि इतना बोलने के बाद, इतना इन्फ्लुएंस करने के बाद डॉल को इन्फ्लुएंस हो नहीं रही है, मैनिपुलेट हो नहीं रही है, देन ही केम टू मी एंड टोल्ड मी कि डॉल तू सही कर रही है, तू अच्छी लड़की है और ऐसी ही रहना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मेरा और उसका कन्वर्सेशन हुआ था। उसके बाद फिर उनको समझ में आने लगा कि उन्होंने जो मेरे बारे में सोचा था शायद वो गलत था, और आई टर्न अप टू बी अ गुड ह्यूमन बाय हार्ट। बस और वैसा और कुछ भी उमर के साथ और वैसा कुछ डिस्कशन नहीं था, वो मेरे को समझने लगे थे, इतना था जो बाकी लोग समझना नहीं चाहते थे, समझते वो भी थे, उनको भी पता She is intelligent enough and strong girl enough. इसलिए उनको मैं threat लगती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको सबसे पहले निकाल दो, इसका fan base बनने ही मत दो इतना कि कल को जाकर के problem बारी पड़ जाए। But उमर के साथ तो आपकी bonding हो गई, उनके साथ बन गई, पहले नहीं बन रही थी फिर बन गई, लेकिन तेजस्वी के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनी, क्या क्या वजह क्या थी? मुझे भी नहीं पता चला, बिकॉज मैंने तेजस्वी को बोला है कि जब मुझे पता चला था कि तेजस्वी भी एंटर कर रही है, तो मैं अपने दोस्तों को बोलती है तेजस्वी तो स्वीट लगती है यार, उससे मेरी बन जाएगी एंड वी वुड बी नाइस टुगेदर, है ना, तो बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने तेजस्वी को ये बात बोली भी है, मैं जैसी आई वो इंटिमिडेट हो गई, घर में ऐसी बातें होने लगी कि मैं जय वीरू बसंती है, जय विशाल और तेजस्वी, हम 3 लोग हैं, हम किसी और दूसरी लड़की को आगे आने भी नहीं देंगे, तो टेंशन मत ले, ये बातें होती थी, और वो दूसरी लड़की मैं थी, तो वो थोड़ा ऐसा घबरा गई थी कि डॉनल को इम्पोर्टेंस ना मिल जाए, तो जब भी जय मुझसे बात करे तो उनको आंखें दिखाती थी कि नहीं उससे बात मत करो, जितना बात करोगी उतना वो एक्सपोज होगी, दिखाई देगी लोगों को, तो उसको साइडलाइन कर दो, तो कोई मुझसे बात नहीं करता था इस चक्कर में। विशाल मुझसे बात नहीं करते, विशाल को ऐसे आंखें दिखा दी थी, मुझे लोगों ने बोला है कि तू बड़ा गुस्सा करती है, कोई तुझसे जाकर के बात करते हैं, तो वो मुझे उस तरीके से साइडलाइन करना चाहते थे। क्या होता है ना कि व्हेन यू कांट डिफीट योर एनिमी यू डिस्ट्रॉय इट्स इमेज, तो वो इमेज मेरी डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए थे, यार इसको तो समझ में नहीं आ रही, तो सुनती ही नहीं है, अरे मैं बोलने दो तो बोलने नहीं देते, कहती सुनती नहीं है क्योंकि मैं सही चीजें बोलती थी हमेशा, और फिर वो मुझे मैनिपुलेट करने पे लगे रहते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो मैं सुनती नहीं थी उनकी, आप मुझे क्यों, कौन होते मुझे मैनिपुलेट करने वाले यार, मुझे जो दिखता है मुझे अपनी आंखों से दिखता है, आप मुझे नहीं उल्टा समझा सकते, तो उनको ये सब चीजें खलती थी कि हमारी बातों में नहीं आती है। So, आपके कुछ फैंस ने क्वेश्चंस भेजे हैं तो फटाफट पहले उस पे पूछ लेते हैं कि जय भानुशाली एंड प्रतीक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एस कौन है घर का सबसे कनिंग पर्सन एस पर योर फैंस? जय एंड प्रतीक, मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई कनिंग है, प्रतीक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जय ने वही अभी तक बना के रखा है कि जय विशाल और तेजस्वी उनके साथ ही वो रहते हैं, तो वो लोग जो बोलेंगे उनकी हाँ में हाँ वो मिलाते हैं, मुझे नहीं लगा उनका खुद का कोई ऐसा ओपिनियन रहता है, थोड़ा सा कभी कभार वो एग्रेसिव हो जाते हैं बट
कनिंग तो उतना कनिंग मुझे नहीं लगा जितना अदर पीपल आर कनिंग. कौन कौन? कनिंग तो तेजस्वी एंड विशाल आर वेरी कनिंग. ट्रू. ओके. So, इनका ये भी है कि बाहर आने के बाद आप किसके लिए रूट करेंगे और क्या लग रहा है आपको कि टॉक स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है सबसे इन घर में इन सब में से? किसके लिए मैं रूट मैं बस चाहती हूँ कि मे द बेस्ट पर्सन विन. और सिर्फ गेम ही सब कुछ नहीं होता है, आपका आप कैसे ह्यूमन हो, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट what kind of game you are planning. If you are playing dirty, so people should not make you win. I think it is the show about what kind of personality you have, ki logo ko aap pasand aa rahe ho ki nahi aa rahe ho. Aur jo jhoot hota hai wo eventually samajh mein aa jata hai, jaise abhi Tejasvi aur Vishal ka samajh mein aa raha hai logo ko ki wo log kya kar rahe hain. To वैसे eventually logo ko mera bhi samajh mein aaya ki isliye aaj log mere sath jude hain. आज चाहते हैं कि मैं वापस बिग बॉस में जाऊं. ये इतना ट्रेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सब तो निशांत मुझे ठीक लगते हैं, प्रतीक मुझे ठीक लगते हैं, जो जो थोड़ा दिल से भी सोचते हैं, सिर्फ गेम नहीं करते हैं. अफसाना भी मुझे ठीक लगती है, उनका वो बोलती गलत है मैं मानती हूँ, बट वो दिल से साफ है. तो इट्स अबाउट what kind of a human you are. लोग अगर देखें कि बिग बॉस का ये विनर है तो इंसान भी अच्छा होना चाहिए. And love angle पे आपको क्या कहना है मीशा और निशान के? मैं क्या कहूँ, दुनिया कह रही है. जिसको जो गेम प्लान ठीक लगता है वो वैसा कर सकते हैं. मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है. ईशा का मुझसे ही कुछ पर्सनल इशू रहता है, क्योंकि उनको लगता था कि ईशान मेरे तरफ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वाली जब बात हुई थी कोई गेम खेल रहे थे तो ईशा की जगह ईशान ने मेरा नाम लिया था, आई ट्रस्ट डोनाल्ड मोर देन ईशा. तो बट उनका अगर वो लव एंगल चलाना चाहते हैं, दैट्स देयर विश. आई हैव नो इश्यूज. आई वाज अ फ्रेंड और मैं आई थिंक मैं क्यूपिड काइंड ऑफ थी सबके में. प्रतीक और अकाशा के में भी आई वाज द क्यूपिड, की मैं देखती थी. आई एम द ऑब्जर्वेंट गर्ल की अच्छा कौन किसके साथ बैठा है, क्या चल रहा है. और महेशा और ईशान के लिए भी मैं बोलती रहती थी कि अच्छा हाँ मुझे समझ में आ रहा है. महेशा और उमर पहले बैठे रहते थे तो मुझे महेशा और उमर का इनिशियली लगता था, फिर बाद में वो ईशान का हो गया. तो इट्स देयर गेम प्लान. आई एम नो वेयर गर्ल्स जो भी इनसिक्योर है मुझसे कि मैं नहीं हूँ वैसी, आई कैन ओनली हेल्प यू. तो इस तरीके का सिचुएशन, वो स्पिट्सविला टाइप चल रहा था बिग बॉस में, सब कनेक्शन बनाने में लगे हुए थे. एंड आई यूज टू टेल ऑल द बॉयज कि भैया मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं इन सब में इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज़ आई हैव मच मोर थिंग्स टू ऑफर आई थिंक. सो मासूम वाला नहीं लेकिन डिफरेंट साइड वाला, क्वीन वाला. तो विशिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.